एक योजनाबद्ध ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। तो 1930 से योजनाबद्ध रीति से और मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। उसका कारण जैसा बताया गया भी कि कोई संतरास था इसलिए इधर आके यहां संख्या बढ़े ऐसा था, ऐसा नहीं। इकोनॉमिक कोई आवश्यकता थी ऐसा नहीं। एक योजनाबद्ध ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। ये पूरे पंजाब के बारे में था, ये सिंध के बारे में था, ये असम के बारे में था, ये बंगाल के बारे में था। कुछ मात्रा में सत्य हो गया, भारत विखंडन हो गया, पाकिस्तान हो गया, लेकिन वो जैसा पूरा चाहिए था वैसा नहीं मिला। आसाम नहीं मिला, बंगाल आधा ही मिला, पंजाब आधा ही मिला, बीच में कॉरिडोर चाहते थे वो नहीं मिली। तो फिर जो मांग के मिला वो मिला, अब इसको कैसे लेना, ऐसा भी विचार चला। और इसलिए फिर दो प्रकार हो गए। कुछ लोग वहां से आते थे पीड़ित संतरस्त होकर आते, वो शरणार्थी रिफ्यूजी थे। और कुछ लोग आते थे जाने अनजाने होगा, चाहे अनचाहे होगा, लेकिन संख्या बढ़ती थी, संख्या बढ़ाने का उद्देश्य लेके आते थे। वो संख्या बढ़े इसलिए उनको सहायता भी होती थी, होती है आज भी। और जितने भूभाग पर हमारी संख्या बढ़ेगी उतने भूभाग पर सब कुछ हमारे जैसा होगा। जो हमारे से अलग है वो हमारे दया पर वहां रहेगा अथवा नहीं रहेगा। पाकिस्तान में यही हुआ, बांग्लादेश में यही हुआ, यानी वो भी पाकिस्तानी था। तो चार बार तो बहिर्गमन हुआ ही, जो अलग थे मेजॉरिटी से, जो अलग थे उनका बहिर्गमन हुआ। कारण कुछ नहीं था, वो अलग थे यही कारण। एक योजनाबद्ध ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.